हेलो दोस्तों, मैं हूं मंदा, रेसिपी सिखाती हूं। मंदा डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं चावल की बर्फी। चावल की बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस रेसिपी के बारे में हम बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं, जिससे रेसिपी और भी अच्छी बनती है। तो लास्ट तक यह रेसिपी जरूर देखिए, ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलिए सीखते हैं कि चावल की बर्फी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। 3/4 शक्कर, 1 कटोरी चावल, 1.5 कटोरी दूध, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच नारियल का बुरादा। सबसे पहले हम चावल को धोएंगे। एक बाउल लेना है। बाउल में 1 कटोरी चावल डाल के हमें इसे 3-4 पानी से अच्छे से धोना है। यह देखिए, हमारे चावल 3-4 पानी से धोके हो चुके हैं। अब हम इसे कॉटन के कपड़े पर डालकर हमें फैन के नीचे सुखाना है। अगर आपके घर में धूप आती हो तो धूप में 5 मिनट सुखाना है। 10-15 मिनट में चावल सूख जाते हैं। 10-15 मिनट हमारे हो चुके हैं, चावल भी पूरे सूख चुके हैं। अब हम इसे भुनेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में 1 कटोरी चावल डाल के चावल को हमें मीडियम गैस पर चलाते हुए भुनना है। आपके घर में कोई भी कटोरी हो, वही कटोरी आप सेट कर लीजिए और उसी कटोरी से पूरा मेजरमेंट लीजिए। चावल को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ चावल की नमी निकलने तक हमें चावल को भुनना है। चावल को हमें भुनने के लिए कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। इस तरह आपको चावल को चलाते हुए भुनना है। चावल की बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चावल की नमी निकल चुकी है और चावल भी भुन के हो चुके हैं। इस तरह आपको चावल को भुनना है। कम से कम हमें 5-7 मिनट चावल भुनने के लिए लगे हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और चावल को ठंडा करेंगे। बाद में हम इसे पीसेंगे। कम से कम 10-15 मिनट में चावल ठंडे होते हैं। चावल ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे पीसेंगे। एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में चावल को पूरा डाल के इसे हमें पीसना है। हमें चावल का बारीक पाउडर करना है, दरदरा नहीं रखना है। यह देखिए, चावल अच्छे से पीस के हो चुके हैं। इस तरह आपको चावल को पीसना है और बारीक पाउडर करना है, दरदरा नहीं रखना है। अब हम दूध की चाशनी बनाएंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में 1.5 कटोरी दूध डालना है और दूध को उबाले आने के बाद में हमें इसमें शक्कर डालना है। दूध को हमें मीडियम गैस पर उबालने के लिए रखना है और दूसरी तरफ हम टिन को ग्रीस करेंगे। एक टिन लेना है और टिन के ऊपर बटर पेपर रख के बटर पेपर पर 1 चम्मच घी डाल के बटर पेपर को ग्रीस करना है। आपके घर में इस तरह का टिन ना हो तो छोटे थाली में भी आप जमा सकते हो। बटर पेपर ग्रीस हो चुका है और दूध को भी उबाली आ चुकी है। अब हम इसमें 3/4 शक्कर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे शक्कर घुलने तक चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर डालने से दूध गाढ़ा होगा और मावे का टेस्ट आएगा, इसीलिए हमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। जब तक शक्कर घुल नहीं जाती, तब तक हमें इसमें चावल का आटा नहीं डालना है। यह देखिए, शक्कर अच्छे से घुल चुकी है और मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। अगर आपके घर में गाढ़ा घी हो तो 1 चम्मच डालना है। मेल्ट किया हुआ घी है तो 3 चम्मच डालना है।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें चावल का आटा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के ही मिक्स करना है। अगर आपने एकदम से पूरा चावल का आटा डाल दिया तो गुठलियाँ जमेगी, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डाल के मिक्स करते जाना है। अगर गुठलियाँ जमती हो तो चम्मच से प्लेन करते हुए मिक्स करते जाना है। चावल का आटा डाल के हो चुका है, अब हम इसका गाढ़ा डो बनाएंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें बादाम का पाउडर, काजू का पाउडर भी डाल सकते हो। जब तक गाढ़ा डो नहीं बनता तब तक हमें चलाते ही रहना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो तले में लगने का डर रहता है, इसीलिए हमें चलाते ही रहना है। गाढ़ा डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल का डो बनके तैयार है। अब हम थोड़ा बचा के रखेंगे जिसमें हम थोड़ा कलर डालेंगे। अगर आपके घर में कोई भी कलर हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोको पाउडर भी डाल के आप बना सकते हो। अब हम गैस बंद करेंगे, केक टिन में सफ़ेद वाला डो डालेंगे और इसे सेट करेंगे। यह देखिए सफ़ेद वाला डो सेट हो चुका है। अब जो बचा हुआ डो है उसमें हम कलर डालेंगे। गैस ऑन करना है और बचे हुए डो में कलर डालना है और मिक्स करना है। कलर की जगह आप कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो। 2 पिंच केसरी कलर डाल के अच्छे से मिक्स करना है और डो को 1-2 मिनट पकाना है। कलर वाला डो बनके तैयार है। अब हम इसे सफ़ेद वाले डो पर डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसी तरह आपको सफ़ेद वाले डो पर फैलाना है। दोनों डो सेट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। और चम्मच से प्रेस करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट ठंडा करेंगे, बाद में पीसेस में काटेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और पीसेस में काटेंगे। अगर आपको बड़े पीसेस में काटना हो तो बड़े पीसेस भी काट सकते हो, और छोटे पीसेस में काटना हो तो छोटे पीसेस भी कर सकते हो। अब हम इसे सर्व करेंगे। चावल की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो और कमेंट में बताओ कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मंदार डायरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल पर करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी के वीडियो आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी रिलीज हो तो सबसे पहले आपको मिले।